फ्रांस में हुए चुनाव सुधार विधेयक पर उठा विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके विरोध में न्यू कैलेडोनिया में हुए दंगों को देखते हुए फ्रांस सरकार ने देश में आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी है। देश में आपातकाल से सभाओं पर रोक लगाने और फ्रांस में रहने वाले लोगों को फ्रांसीसी शासित द्वीप के आसपास घूमने से रोकने की अधिकारियों को अतिरिक्त शक्ति मिल गई है। अब फ्रांस के प्रशांत क्षेत्र न्यू कैलेडोनिया की दंगा प्रभावित सड़कों पर शुक्रवार को सैकड़ों सैन्य और सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए गए, जिससे कि उन झड़पों को रोका जा सके। इन झड़पों में अब तक 5 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। आपको बता दें कि नया मतदान नियम लागू करने की फ्रांस की योजना से नाराज 270,000 लोगों की आबादी वाले द्वीप समूह में 4 दशकों में सबसे घातक हिंसा हुआ है। ये इलाका पेरिस से 17,000 किलोमीटर दूर और ऑस्ट्रेलिया और फिजी के बीच स्थित है। पेरिस में प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल ने कहा कि न्यू कैलेडोनिया में लगभग 1,000 अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे जा रहे हैं। अतिरिक्त बलों को फ्रांसीसी सेना के नियंत्रण वाले ला टोटेटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारना शुरू कर दिया गया है और उन्हें लाल टोपी, राइफल, गैस मास्क के साथ राजधानी नौमिया में घूमते देखा जा सकता है। इनका काम दंगाइयों और लुटेरों को कठोर दंड देने का है। आपको बता दें कि भड़की हिंसा में एक स्कूल और 2 कंपनियों में आग लगने की खबर है। एक शॉपिंग सेंटर में आग की लपटें देखी गई हैं। इसके अलावा कई सुलगती इमारतें और दर्जनों जली हुई कारें देखने को मिली हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि सैकड़ों लोग भोजन और अन्य जरूरी चीजों के लिए दुकानों के बाहर कतार में खड़े थे। अधिकारियों का कहना है कि अब तक अनुमानित 5,000 दंगाइयों में से लगभग 200 को हिरासत में लिया गया है। ये दंगाई टायर जला रहे हैं और यातायात को रोक रहे हैं। आपको बता दें कि 1980 के दशक में फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र में स्वतंत्र कट्टरपंथियों से जुड़ी हिंसा के बाद से न्यू कैलेडोनिया में सबसे बुरी हिंसा देखी गई है। माहौल को देखते हुए यहाँ टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि इसका इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों द्वारा किया जा रहा था। फ्रांस में पैदा हुए इन हालातों के चलते वहां की किराना दुकानों और गोदामों से 80-90% सामान खत्म हो गया है और अब वहां तक सामान नहीं पहुंच पा रहा है। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि करीब 200 मिलियन यूरो का नुकसान हुआ है। अब थोड़ा सा इस पूरे मामले को समझ लेते हैं कि आखिर विवाद की जड़ क्या है और कहाँ से विवाद पैदा हुआ। दरअसल फ्रांस की इमैनुअल मैक्रों सरकार ने द्वीप पर उन लोगों को भी वोट का अधिकार दे दिया है जो फ्रांस से जाकर वहां रहने लगे। उनके इस फैसले से स्थानीय लोगों को डर है कि इससे वोटर लिस्ट में भारी बदलाव होगा। फ्रांसीसी लोग नए वोटर होंगे जिनके मतदान से द्वीप पर आजादी की बची खुची उम्मीद भी चली जाएगी। इसी बात पर न्यू कैलेडोनिया के मूल निवासियों ने विरोध शुरू कर दिया। अब मूल निवासी आजादी चाहते हैं, जबकि फ्रांस से आकर बसे हुए लोग फ्रेंच कंट्रोल की बात करते हैं और यही है दंगे की वजह। फ्रांस ने जब टापू पर कब्जा किया तो वहां से काफी लोग आकर यहां बस गए। अब वे भी मतदान करेंगे तो कैलेडोनिया की आजादी का रास्ता और मुश्किल हो जाएगा। इधर नए बिल के तहत वे लोग भी मतदान कर सकेंगे जो 10 साल या इससे ज्यादा समय से द्वीप पर बसे हुए हैं।